हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशस्त जैन, फैकल्टी मैथमेटिक्स सीएलसी सीकर। सो गुरुनीति वीडियो सॉल्यूशंस की सीरीज में हम लोग आज 8th पार्ट मैथमेटिक्स में करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया है, इफ द कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज -160, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ओके, so we will write general term will be ncr 2x to the power n minus r into minus 1 upon x to the power r. Okay, now we have to make all the terms of x simultaneous, so it will be 2 to the power n minus r into minus 1 to the power r into x to the power n minus r and minus r, that is n minus 2r. So to make the term constant, we will put n minus 2r as 0. Okay, so it will be like r equals to n by 2. So this will be n by 2 plus one term will be constant term, which is nc n by 2, 2 raised to the power n minus n by 2, that is n by 2, and minus 1 to the power n minus by 2. Okay, this will be our constant term, and minus according to the question, this is minus 160. We will find the value of n from here, and that value will be 6. Okay, so calculation you have to do that part. Okay, but the next question par uske baad dekho second question kya hai. The value of 10 into 29c9 minus 20.29c8, इसको नॉर्मली करना आपको एनसीआर के फैक्टोरियल को बेटा ओपन करना है। सो देखो, 10 डॉट फैक्टोरियल 29 अपॉन फैक्टोरियल 20 इनटू फैक्टोरियल 9 माइनस 20 डॉट फैक्टोरियल 29 अपॉन फैक्टोरियल 21 इनटू फैक्टोरियल 8। अब देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। न्यूमेरेटर में एक तो फैक्टर 29 कॉमन लोगे, 21 को लिख सकते हैं अपन 20 इनटू फैक्टोरियल 20, और इसमें आप 9 को लिख सकते हो 9 इनटू फैक्टोरियल 8। तो देखो क्या कॉमन आ गया, फैक्टोरियल 29, 10 और 20 में 10 कॉमन, अपॉन में देखें एक तो फैक्टर 20 कॉमन लोगे और एक टर्म कॉमन लोगे फैक्टोरियल 8। तो देखो रिमेनिंग पार्ट है 10 फैक्टोरियल 29, 20 एंड 8, तो ये तो आ गया 1/9 माइनस ये आ गया बेटा 2 अपॉन, इधर से आपने फैक्टर 20 कॉमन लोगे तो जैसे 21, फिर आप 9 इंटू 21 को जब एलसीएम लोगे तो फाइनली आ जाएगा क्वेश्चन आपका 10 इंटू फैक्टोरियल 29 अपॉन फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 8। इसको सॉल्व करके देखो आप, 21 माइनस 18, 21 माइनस 18 इज 3, तो दिस इज 3 अपॉन 9 इंटू 21। तो देखो फाइनली सॉल्व करने पे क्या गया, 9 इंटू फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हो फैक्टोरियल 9, ये तो आ गया फैक्टोरियल 9, और फैक्टोरियल 20 और इंटू 21 फैक्टोरियल आ गया 21, और ये आ गया 10 इंटू 3 30 इंटू दिस फैक्टोरियल 30। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो 30C10 का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, 30C10 थर्ड ऑप्शन टिक करना है, थर्ड ऑप्शन 30C10। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म इन दिस एक्सपेंशन, सो वी विल राइट जनरल टर्म फॉर दिस थिंग विच विल बी 100 सी आर रूट टू टू दी पावर 100 माइनस आर इंटू रूट थ्री पावर आर, दिस इज जनरल टर्म, दैट इज आर प्लस वन टर्म। ओके, सो दिस विल बी 100 सी आर 2 रेज टू दी पावर 100 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज 3 टू दी पावर आर अपॉन 4। ओके, सो नाउ देखिए 2 एंड 3 प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर पर हम लोग इंटीजर पावर लगाते हैं केवल तभी वो हमारे पास में एक इंटीजर या रेशनल टर्म में कन्वर्ट होगा। सो इस टर्म को रेशनल बनाने के लिए स्टूडेंट 100 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, ये एक इंटीजर होना चाहिए, साथ में
आर अपॉन फोर भी एक इंटीजर होना चाहिए। देखिए इस टर्म की हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एनसीआर एनी एनसीआर इज ऑलवेज एन इंटीजर, तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ दीज टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन दिस टर्म विल बी रेशनल। नाउ आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कहां से कहां तक हो सकती है, आर को देखिए मैं जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ, जीरो रखने पे फर्स्ट टर्म मिलेगी और मैक्सिमम मैं जीरो वन टू ऐसे रखता जाऊं तो 100 तक हम आर की मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं, तब हमको 101 टर्म मिलेगी। सो इन दिस सेट वी हैव टू फाइंड ऑन विच वैल्यूज ऑफ आर दिस एंड दिस बोथ टर्म्स बिकम एन इंटीजर। तो देखिए पहले इसको अगर मैं देखूं तो मुझे पता है यहां से आर अगर 4 का मल्टीपल है देन दैट विल बी इंटीजर, तो दिस विल बी लाइक 0, 4, 8 एंड सबसे लास्ट 100। तो यहां पर देखिए इस सीरीज में हमारे पास में 26 टर्म्स है टोटल। यहां से हमको दिख रहा है अगर आर को हम लोग कोई सा भी इवन नंबर लेंगे तो ये एक इंटीजर बनेगा। नाउ ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, दीज बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट आर की कोई भी इवन वैल्यू है मतलब 0, 2, 4, 100 और इसमें ये, तो कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ, यही पोर्शन कॉमन हो गया। तो आर की इन वैल्यूज पे टर्म रेशनल बनेगी और ये 26 टर्म्स है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 26 टर्म विल बी रेशनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a + 2x की पावर 9 व्हेन a 1 एंड x = 1/3। आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को फाइंड आउट करना है जिसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है। तो देखो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी की पावर एन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए क्या लिखते हैं, आर लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मोड में a अपॉन b। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है इसकी, ठीक है। तो देखो उसमें वैल्यू पुट करो आप, तो आर लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, देखो एन को लोगे 9 तो 9 प्लस 1 इज 10 अपॉन 1 प्लस a अपॉन b। a अपॉन b का मीनिंग क्या होगा, a अपॉन 2x। इसमें आप a और b, a और x की वैल्यू पुट करो तो a तो 1 है तो 1 अपॉन x इज 2/3, तो फाइनली आ गए 3/2, ठीक है। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, देखो 5/2, तो ये आ गया r लेस देन इक्वल टू 20/5 दैट इज 4 r लेस देन इक्वल टू 4 है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में दिस पार्ट अगर आपका इंटीजर है, क्या बोलो इंटीजर, तो उस केस में टू ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म होंगी और वो कौन सी होंगी, लेट इसका इंटीग्रल पार्ट m है तो एक तो आंसर होगा tm और एक होगा tm plus 1। तो इसमें m आपका 4 है तो इसके अकॉर्डिंग टू ग्रेटेस्ट टर्म होंगी और दिस इज t4 एंड t5, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, फोर्थ एंड फिफ्थ। हां फोर्थ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन है कि इस एक्सपेंशन में फोर्थ और सेकंड टर्म का रेशियो हमें दिया है और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स लिखी है। तो देखिए फोर्थ टर्म होगी हम लोगों के पास में स्टूडेंट 5c3 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 माइनस 3 दैट इज 2 इंटू एक्स 10x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई, इसके एक्सपेंशन में सेकंड टर्म होगी स्टूडेंट हम लोगों के पास में 5c1 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इंटू एक्स 10x टू दी पावर 1 और इसका जो रेशियो है एज पर गिवन इन द क्वेश्चन इज 2/27 पाई इनटू पाई टू द पावर 4। अब इसमें हमको ये देखना है कि इसकी x की कौन सी वैल्यू होगी जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। ओके सो देखिए स्टूडेंट यहां पर 5c3 इज 10 दिस इज 5 सो दिस इज 2 सो ये 2 इज 2 से कैंसिल, हमने कैंसिल आउट किया 1/x^4 ये देखिए x³/x² तो ऊपर एक x बच रहा है, नीचे हमारे पास x/x² तो नीचे एक्स क्यूब बच रहा है, वो एक्स क्यूब ऊपर गया तो एक्स क्यूब इनटू एक्स दैट इज एक्स टू दी पावर 4 और 10x का क्यूब है और नीचे 10x की पावर 1 है तो ऊपर 10x का एक स्क्वायर बच गया, दिस इज इक्वल टू पाई टू दी पावर 4 अपॉन 27। तो यहां से देखिए हम लोग अगर रूट लेते हैं तो हमें मिलेगा x² × 10x इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3√3 और एक मिलेगा हमें -π² / 3√3 ये हमको मिल रहा है। अब अगर हम x की वैल्यू देखें जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, हम लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन करके नहीं देखनी स्टूडेंट, जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं हम ये देख लेंगे कि उनमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर पाई बाई थ्री रखते हैं तो देखिए पाई बाई थ्री का स्क्वायर हो जाएगा पाई बाई 9 इंटू 10 पाई बाई 3 हमारे पास में हो जाएगा स्टूडेंट 10 पाई बाई 3 √3 दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन 3√3 और देखिए ये हमें राइट हैंड साइड पे दिख भी रहा है
तो पाई बाई थ्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर आप और ऑप्शंस रखेंगे इसके अंदर तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सो आवर आंसर विल बी पाई बाई थ्री। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर n इक्वल टू i प्लस n, मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट i है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट f, वेयर f i और n नेचुरल नंबर है आपके और f गिवन है 0 से 1, देन दी वैल्यू ऑफ f स्क्वायर माइनस f प्लस आई एफ माइनस आई। तो देखो कैसे करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको करने का क्या प्रोसीजर है, पहले ये जो पावर है इसको ट्राई करो आप कंप्लीटली इवन या कंप्लीटली ऑड में कन्वर्ट करने की। तो ये जो 5 प्लस 2 रूट 6 इसको आप ले सकते हो बेटा रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 2n, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग करने पर आगे ना इस पार्ट, ये आपको गिवन है आई प्लस है, मतलब इसमें दो टर्म होंगी, एक इंटीग्रल पार्ट होगा प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है उसको देखो एक बार आप, इन दोनों में आप f कॉमन ले सकते हो तो क्या आ गया f माइनस वन, और इसमें जब i कॉमन लोगे तो अगेन आ गया f माइनस वन, तो फाइनली ये आ गया f माइनस वन इंटू f प्लस i, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो f प्लस i है ये तो अपने पास कितना है 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर है या फिर रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 2 है। अब आपको f माइनस वन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आप इधर देखें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि जिसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करो आप, तो उसका क्या मेथड है, ये रूट 3 प्लस रूट 2 है तो इसके कॉन्जुगेट को लिखो आप अगेन, तो इसका कॉन्जुगेट होगा रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 2n, और इसको देखें आप ये वैल्यू आपकी 1 से लेस है तो 1 से लेस की पावर कुछ भी करो पॉजिटिव, ये ऑलवेज क्या होगा 1 से लेस, तो इसकी वैल्यू होगी एक फ्रैक्शनल पार्ट, इसको लेट करो आप f डैश। ठीक है, इतना करने के बाद देखो क्या करना है, जब ये जो पावर है ये इवन पावर हो तो आप दोनों इक्वेशनों को क्या करो राइट ऐड करोगे, और अगर बाय चांस पावर क्या हो ऑड तो उसको क्या करते सबट्रैक्ट। तो देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो उससे मिल गया आपके पास आई प्लस एफ प्लस एफ डैश इक्वल टू, इसमें देखो क्या आने वाला है, इसमें सारी टर्म पॉजिटिव होंगी टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डॉट डॉट टी टू एन प्लस वन, इसमें क्या होंगी टी वन माइनस टी टू प्लस टी थ्री अप टू सो ऑन, तो इसमें जो इवन टर्म्स है वो सारी क्या होंगी कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग टर्म होंगी ट्वाइस ऑफ टी वन प्लस टी थ्री प्लस अप टू सो ऑन, और इसमें जब आप जैसे लाइक टी वन की बात करोगे तो टी वन का मीनिंग क्या लगोगे टू एन सी जीरो रूट थ्री की पावर टू एन, तो रूट थ्री की पावर टू एन क्या होगा इंटीजर, ऐसे टी थ्री की बात करोगे तो दिस इज टू एन सी टू रूट थ्री की पावर टू एन माइनस टू इंटू रूट टू का स्क्वायर, तो ये भी पावर ये भी टर्म क्या होगी इंटीजर, इसका मीनिंग ये ब्रैकेट पार्ट आपका कंप्लीटली इंटीजर है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड इज ऑलवेज ए इंटीजर, ये एक इंटीजर वैल्यू होगी, तो जब राइट साइड इंटीजर है तो आपका दिस पार्ट भी क्या आना चाहिए इंटीजर, तो i प्लस f प्लस f डैश की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए आपकी। तो देखो f का मीनिंग है 0 से 1 और f डैश भी फ्रैक्शनल है तो ये भी क्या होगा 0 से 1, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इससे मिल गया f प्लस f डैश 0 से 2, और आप देखो ये कंप्लीट पार्ट इंटीजर है तो f प्लस f डैश भी क्या आना चाहिए इंटीजर, तो 0 से 2 में इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी ओनली 1, इसका मीनिंग कि जो f प्लस f डैश है इसको आप क्या लोगे 1, तो f प्लस f डैश 1 लोगे आप, तो देखो इसमें एक काम करो ना f को दर्शित करो तो f माइनस 1 की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं अपन माइनस के f डैश, तो f माइनस 1 की वैल्यू को पुट करोगे आप माइनस के f डैश इनटू f प्लस i, अब आप दोनों की वैल्यू पता है f डैश की वैल्यू क्या लिखोगे रूट थ्री माइनस रूट टू की पावर टू है और इसकी वैल्यू है रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर टू है, दोनों पे पावर सेम है तो अंदर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया 3 माइनस टू 1 की पावर 2 एन इज 1 और आगे आ रहा माइनस, मतलब तो इसको सोल्व करने पे इसकी वैल्यू मिलेगी माइनस के 1, तो उसने पूछा कि दिस वैल्यू क्या होगी, तो ए नेगेटिव नंबर आंसर आ जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक रिलेशन दे रखा है k का इंटरवल हम लोगों से पूछा है, तो देखिए सबसे पहली बात है स्टूडेंट यहां पर हम लोगों को दिख रहा है कि k स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 cr डिवाइडेड बाय nc r प्लस 1, ओके नाउ ncr इज ऑलवेज पॉजिटिव सो रेशियो ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो k स्क्वायर माइनस 3 जो है सबसे पहली बात पॉजिटिव है, तो यहां से पता लगा कि k इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 3 यूनियन रूट थ्री टू इन्फिनिटी, ये तो हम लोगों को पहला रिलेशन मिला। उसके बाद इसमें हम लोग इन दोनों रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इन दोनों रेशियो को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हम लोगों को मिल रहा है
फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल इन टू ये फैक्टोरियल एन यहाँ आ गया और इसका जो रेशियो है ऊपर आ गया फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन एंड फैक्टोरियल आर प्लस वन ओके सो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल्ड आउट एंड ये लिख दिया इसका और इसका रेशियो लिया तो नीचे एन बचा इसका और इसका रेशियो लिया तो ऊपर आर प्लस वन बचा सो के स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू आर प्लस वन अपॉन आर नाउ वी नो अगर n माइनस वन सी आर लिखा है तो स्टूडेंट n माइनस वन की जो वैल्यू है वो r से बड़ी होगी यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r प्लस वन सो r प्लस वन अपॉन n इज लेस देन इक्वल टू व्हाट वन ये रिजल्ट मिल रहा है तो ये जो क्वांटिटी है ये वन से छोटी है तो k स्क्वायर माइनस थ्री इसके बराबर है और ये वन से छोटा है सो वी कैन राइट दैट k स्क्वायर माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू वन दैट इज k स्क्वायर लेस देन फोर सो k माइनस टू से प्लस टू होगा ये भी हम लोगों को बात ध्यान में रखनी पड़ेगी अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों के पास में एक रिलेशन ये आ रहा है और एक रिलेशन हम लोगों के पास में ये आ रहा है तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो k हमें मिलेगा माइनस टू से माइनस रूट थ्री यूनियन रूट थ्री से टू अब माइनस टू से माइनस रूट थ्री तो इसमें हमको दिख नहीं रहा तो ये एक ऑप्शन है रूट विच इज करेक्ट ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन If the coefficient of x की पावर 2012 in the expansion of this part, इसके expansion में आपको x की पावर 2012 का coefficient को find out करना है, देखो कैसे करना चाहिए, देखो इसको थोड़ा ढंग से समझा, ये पावर है 2007, तो इसमें से 2000 पावर 7 को सेपरेट करो और एक सिंगल पावर को क्या करो सेपरेट देखो ये एक्सपेंशन आएगा let e equal to 1 minus x और इसको ले सकते हैं अपन 1 minus x into 1 plus x plus x स्क्वायर की होल पावर 2007 तो इसको आप थोड़ा ढंग से देखें ये एक फॉर्मूला बन चुका है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये किसका एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला है ये दिखना चाहिए आपको ये a माइनस बी का क्यूब है बेटा तो ये आ गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007 अब आपको इन दोनों के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2012 को फाइंड आउट करना देखो कैसे करोगे ये तो नॉर्मल है इसकी आप लिखो जनरल टर्म तो इसकी टीआर प्लस वन टर्म क्या होगी देखो इसकी टीआर प्लस वन टर्म मिलेगी आपको 2007 सीआर 1 की पावर समथिंग इज 1 और ये आ गया माइनस एक्स क्यूब की पावर आ तो दिस और दिस के मल्टीप्लाई में आपको एक्स की पावर 2012 का क्या लेके आना है कोफिशिएंट तो सिंपल सी बात है इसमें जो r की वैल्यू है वो 2007 से ग्रेटर हो नहीं सकती ना तो जब आप 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 2012 के कोफिशिएंट के लिए क्या करना है ये जो 3 * r है मतलब 3r की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 2012 बट जब 3r को आप 2012 करोगे तो देखो ये नॉट मल्टीपल ऑफ 3 क्योंकि इनका सम आ रहा 5 और ये 3 है तो इससे r इंटीजर नहीं होगा तो इसका मीनिंग 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नो टर्म विच कंटेन x की पावर 2012 फिर क्या करना है ये x है तो इसमें से आप क्या लोगे बोलो x की पावर 2011 का कोफिशिएंट तो जब अगेन x की पावर 2011 के कोफिशिएंट की बात करोगे तो इसको क्या लिखोगे अगेन 3r इक्वल टू 2011 अभी भी ये जो नंबर है इसकी डिजिट का समारा 4 तो अगेन 3r आपका इससे डिविजिबल नहीं होगा तो इस केस में भी r आपका क्या होगा नॉन इंटीजर इसका मीनिंग इन दोनों के मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म क्या नहीं होगी x की पावर 2012 का कोफिशिएंट तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 0 कि नो कोफिशिएंट प्रेजेंट इन x की पावर 2012 तो फोर्थ ऑप्शन होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और इसके एक्सपेंशन को इस तरह से हमें दिया गया है और दिया है कि a1 स्क्वायर इक्वल टू 2a2 n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है Now a1 is what coefficient of x, a2 is what x square का coefficient. तो हम basically इस expansion में x का और x square का coefficient निकालेंगे. उससे हमें a1 और a2 मिलेगा. यहाँ रखेंगे n की value निकालेंगे. ये हमारा concept है. अब उस देखिए इसकी general term अगर मैं लिख दूँ 1 minus 2x plus 5x square minus में 10x cube into this is sigma n c r into x to the power r जिसमें r 1 से लेकर n तक हम लोग कुछ भी ले सकते हैं. अब इसका और इसका एक्सपेंशन हो रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और उसमें हमको खोजना है सबसे पहले a1 को यानी कि x के कोएफिशिएंट को देखिए इस इन सब टर्म्स को मैं इनसे मल्टीप्लाई करके x की टर्म कैसे कैसे बना सकता हूं
यहाँ की x की टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई होगी उससे x की टर्म बनेगी, और यहाँ पर x की टर्म बनाने के लिए r को 1 लूंगा उससे कोफिशिएंट आएगा nc1 मल्टीप्लाइड विद, यहाँ से x की टर्म को यहाँ पर अगर मैं कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो x की टर्म बनेगी, और यहाँ की कांस्टेंट टर्म को बनाने के लिए अच्छा एक मिनट हम लोगों को यहाँ पर nc r को स्टार्ट 0 से स्टार्ट करना होगा, तो r को मैं यहाँ 0 लूंगा तो x की पावर 0 बनेगी वो इस x से मल्टीप्लाई होगा, देन वी विल गेट हैव टर्म ऑफ x दैट इज -2 * nc 0 है ना। अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x की कोई नेगेटिव पावर तो है नहीं, तो ये x स्क्वायर की टर्म और x क्यूब की टर्म को इधर मल्टीप्लाई करने पर हमें को x की पावर x की टर्म नहीं मिलेगी, तो दिस इज nc1 दैट इज n -2 यस। नाउ a2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर की टर्म क्या बनेगी वो देखना है, तो इधर से x स्क्वायर की टर्म ली, इधर से 1 लिया मल्टीप्लाई किया दैट इज nc2, यहां से x की टर्म के लिए r को 1 लिखा और उसको इस -2x से मल्टीप्लाई किया तो -2 * nc1, यहां से x स्क्वायर की टर्म ली उसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया दैट इज nc0, और x क्यूब की टर्म को इधर किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर नहीं बनेगा, तो दिस इज nc a2 दैट इज n * n -1/2 -2n +5। ये हमारे पास a2 है, ये हमारे पास a1 है, यहां पुट अप करेंगे सीधे-सीधे कैलकुलेशन करेंगे n की वैल्यू आएगी 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The coefficient of the term independent of x in the expansion of this part. इन दोनों के मल्टीप्लाई में आपको x से independent term को बेटा find out करना। देखो same concept है भी 9 की तरह इसमें। ये normal expansion है। इस expansion की आप लोगों पहले tr plus 1 term। तो देखो इसकी tr plus 1 term क्या होगी? tr plus 1 equal to बोलो 9 cr 3 by 2 x square की power 9 minus r। तो उसको मैं सीधा लिख देता हूँ। 3 by 2 की power 9 माइनस आर और इससे मिलेगा एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर, ठीक है। और सिमिलरली माइनस 1 अपॉन 3 एक्स की पावर आर करोगे तो ये आ गया माइनस 1 बाई 3 की पावर आर और एक्स की पावर माइनस आर, ठीक है। और आपको इंडिपेंडेंट टर्म को करना फाइंड आउट, तो आप एक्स की और पावर को एक साथ देखोगे साइमल्टेनियसली, तो फाइनली इसको ऐसे लिख देते अपन माइनस 1 बाय 3 की पावर आर इंटू एक्स की पावर 18 माइनस 3 आर आ गया आपके पास, ठीक है। अब दिस टर्म को इससे क्या करना है मल्टीप्लाई, और x से क्या चाहिए आपको इंडिपेंडेंट टर्म, तो देखो मैं लिख देता हूं क्या क्या वैल्यू हो सकती है। जब इस 1 को क्या करोगे आप कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म कब देगा आपका जब ये वाली पावर क्या होगी 0, तो इस पावर को आप 0 करोगे तो इससे r आ गया 6, तो एक तो इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिलेगी कि जब आप r को 6 पुट करोगे इसमें तो 1 * क्या जाएगा बोलो t 7 टर्म, तो एक आपको इससे मिल जाएगी कांस्टेंट टर्म, प्लस क्या हो सकता है बोलो इस x को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये वाली पावर क्या होनी चाहिए -1, इसका मीनिंग 18 -3r इज -1, तो इसमें मिलेगा r आपको 19/3, बट r की वैल्यू नॉन इंटीजर हो नहीं सकती, तो x को आप किसी भी पार्ट से कैरी कर सकते हैं मल्टीप्लाई जिससे क्या मिले x की इंडिपेंडेंट टर्म, तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। फिर अगेन क्या है 2x3, तो प्लस क्या आएगा बोलो 2 * ये x3 है तो इसमें कौन सी टर्म लोगे 1/x3 की टर्म, मतलब x की पावर -3, तो ये वाली पावर को -3 लेके आना है तो r क्या मिलेगा आपको 7, तो जब r को 7 लोगे आप तो इससे मिलेगी x की पावर -3 का कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x3 से तो देन वी विल गेट कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसके अकॉर्डिंग आगे 2t7 + 1 t8। अब बेटा क्या करना है इसमें t7 और t8 की वैल्यू क्या करना कैलकुलेट, और जब इसमें पुट करोगे तो सोल्व करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 17/54, इसका कैलकुलेशन करनी है बस आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें हमें x + y की वैल्यू 1 दे रखी है और ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हमें x और y के टर्म्स में निकालनी है, तो इसके लिए सर एक फॉर्मूला मैं पहले तो आपको पढ़ा रहा हूं, वो है हम लोगों के पास में से r * ncr लिखा है, यानी यहां का और यहां का टर्म सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट n यानी ऊपर वाला नंबर * ऊपर और नीचे दोनों में से 1 को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पैटर्न या ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम लोगों को यूज करना है, तो देखिए इसमें पहले एक r² * ncr की टर्म लिखी हुई है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर हम लोग पूरे एक्सप्रेशन को देखेंगे।
तो देखिए स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूं R इंटू एनसीआर, ठीक है। अब इसमें तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं और इस R को मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट R माइनस वन प्लस वन इंटू, इस R इंटू एनसीआर को लिख रहे हैं N इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब देखिए स्टूडेंट, इसके दो पैटर्न हम लोग या दो फैक्टर कर रहे हैं, इस R माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक बार, तो R माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब देखिए सर, इस वाले में फिर से वो फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो इसको ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू दोनों में से एक एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हम लोगों को मिला प्लस एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन को एज इट इज हमने लिख दिया। तो ये पूरी जो ये वाली टर्म है इसको हम लोगों ने इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम लोगों को देखिए स्टूडेंट, सिग्मा जो नोटेशन है वो दे रखी है R इक्वल टू जीरो टू एन, इन दोनों का सिग्मा हम लोगों को लगाना है, तो सिग्मा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ओके। तो दोनों में सिग्मा अलग अलग तरह से हमें ऑपरेट करेगा और ये एक टर्म थी, इसको भी हमें लिखना है, तो ये लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में जो पता है हमें कि वेरिएशन R में है, तो n इज वर्किंग लाइक ए कॉन्स्टेंट, तो जब हम लोग इसका सिग्मा लेंगे तो n को, n की टर्म्स को हम बाहर ले लेंगे, तो ये बन गया n इंटू एन माइनस वन इंटू सिग्मा n माइनस टू सी आर माइनस टू इंटू एक्स टू दी पावर r इंटू वाई टू दी पावर n माइनस r प्लस n सिग्मा n माइनस वन सी आर माइनस वन एक्स टू दी पावर r वाई टू दी पावर n माइनस r। अब देखिए हमको दिया हुआ है r जीरो से n, बट ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर r इक्वल टू जीरो और वन लेने का कोई मीनिंग नहीं है, सो वी विल पुट r इक्वल टू 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 n n, और यहाँ पर r को जीरो लेने का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ r की वैल्यू वन से स्टार्ट होके n तक जा रही है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे इस एक्सपेंशन को मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी जीरो x टू दी पावर टू इंटू वाई टू दी पावर एन माइनस टू प्लस लास्ट, सबसे लास्ट टर्म लिख रहा हूं सीधा n माइनस टू सी एन माइनस टू एन माइनस एन सॉरी x की पावर n इंटू वाई की पावर n माइनस एन दैट इज जीरो, और इसके साथ में हमारे पास में n माइनस टू है यहाँ पे, इसके साथ में स्टूडेंट हम लोगों के पास में लिखा हुआ है x टू दी पावर r, यानी कि ये लिख दिया ना मल्टीप्लाई, ओके ये तो हम लोगों ने लिख ही दिया है। सेकंड टर्म लिखो प्लस, अब इसमें देखिए एक मिनट, यहाँ पे था n माइनस टू टू, इसके बाद में स्टूडेंट अगर मैं इस एक्सपेंशन को लिखता हूं तो ये है हमारे पास में n इंटू एन माइनस वन सी जीरो एक्स टू दी पावर वन वाई टू दी पावर एन माइनस वन, सबसे लास्ट टर्म को लिखता हूं एन माइनस वन सी एन माइनस वन एक्स टू दी पावर हमने लिखा है n और y की पावर होगी जीरो। अब आप बात को समझिएगा, मैंने इसमें से n इंटू एन, देखिए इस ब्रैकेट में स्टूडेंट एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है हमको, मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, इसके बाद इस एक्सपेंशन को बहुत ही ध्यान से देखिए ये क्या है n माइनस टू सी जीरो y की पावर n माइनस टू, फिर n माइनस टू सी वन एक्स की पावर हमारे पास में आएगी वन और y की पावर n माइनस थ्री, यानी कि ये हमारे पास में एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रहा है। किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रहा है? x प्लस y की पावर n माइनस टू का। सिमिलरली जब इसमें से मैं x की टर्म को कॉमन लूंगा तो जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है दैट विल बी बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y टू द पावर n माइनस वन। नाउ दिस इज n इनटू n माइनस वन इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस y स्क्वायर वन है, वन रखा यहाँ पे वन रख दिया प्लस nx, तो इसमें मैं अगर nx को कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट मारा सो n माइनस वन इनटू x दैट इज n माइनस वन इनटू x प्लस वन, ये हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए nx, अब हमको यहां पर ये पता है कि बाहर का nx तो हम लोगों को मिल चुका है, इस टर्म को किसी प्रकार से हम लोगों को y की टर्म में क्रिएट करना है या कन्वर्ट करना है, और हमें पता है कि जो y की वैल्यू है वो हम मतलब x और y का जो रिलेशन है आप 1 की वैल्यू पुट कर दो x वो हमको 1 दे रखी है, तो आप ये आंसर आ जाएगा उससे, तो हम क्या करेंगे इस 1 को रख देंगे x प्लस y। अब इसमें देखिए ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल, yes. अब ये बन गया एन एक्स प्लस वाई, तो एन एक्स इंटू एन एक्स प्लस वाई, सॉरी थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन हमें क्वेश्चन के आंसर को एन एक्स प्लस वाई, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से एन दिस पार्ट, मतलब इसको आपको सिग्मा को सोल्व करना है, देखो किस टाइप से करना है, इस क्वेश्चन में देखो ढंग से टू वेरिएबल है, सिग्मा तो जीरो से एन तक है
और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसमें एम टर्म्स है आपकी, तो देखो कैसे करना चाहिए, इस सिग्मा को आप ईच टर्म के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ही, तो देखो क्या बेनिफिट होगा कम से देखना। तो मैं पहले क्या करता हूं, उसमें फर्स्ट सिग्मा को डायरेक्ट ओपन कर दिया, मतलब सिग्मा आर जीरो से एन माइनस वन की पावर आर एन सी आर वन अपॉन टू की पावर आर, इसमें आर जीरो से एन तक पुट कर दे, तो देखो क्या आ गया, आर को जीरो लोगे तो दिस इज एन सी जीरो और वन बाय टू की पावर जीरो इवन, और आर को वन लेने पे आ जाएगा माइनस एन सी वन वन बाय टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वाली टर्म मिलेगी आप, ठीक है, एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस वन बाय टू, अगले में मिलेगी एन सी टू प्लस वन बाय टू स्क्वायर अप टू सो ऑन। सिमिलरली जब आप सेकेंड टर्म की बात करोगे तो दिस में आने वाला अगेन एन सी जीरो माइनस एन सी वन थ्री अपॉन फोर की पावर वन, मतलब थ्री बाई फोर, प्लस एक टर्म लिख देते हैं एन सी टू प्लस के बाद माइनस थ्री अपॉन फोर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आपको टर्म मिलेगी। ऐसे आप आर को टू पुट करोगे, सॉरी आर को अगेन इस सिग्मा के साथ सॉल्व करोगे तो एक टर्म और लिख देते हैं क्योंकि उससे आईडिया लग जाएगा कि ये कौन सी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एन सी जीरो माइनस एन सी वन दिस इज सेवन बाय एट, सेवन बाय एट प्लस एन सी टू सेवन बाय एट का ऑल स्क्वायर, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग आपकी। टोटल कितनी टर्म इसमें m टर्म्स हैं, एक दिस के साथ, फिर सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, डॉट डॉट m टर्म्स, ये मतलब टोटल n ब्रैकेट्स हैं। तो देखो बेटा ढंग से इसको, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है क्या चीज है, देखो ये 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर n का एक्सपेंशन, क्या बोलो 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर n का एक्सपेंशन, तो ये अगर 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर एक्सपेंशन है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 बाई 2 की पावर n। सिमिलरली जब इसकी बात करोगे तो क्या है, एन सी जीरो माइनस एन सी वन थ्री बाई फोर डॉट डॉट डॉट, ये क्या चीज है, 1 माइनस थ्री बाई फोर की पावर n का एक्सपेंशन है, तो 1 माइनस थ्री बाई फोर की पावर n को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 की पावर n का एक्सपेंशन, ये कैलकुलेट करने पे दिस आ गया। प्लस इसकी बात करो तो अगेन एन सी जीरो माइनस एन सी वन सेवन वाई डॉट डॉट, तो इसको अगर x लेट करो तो ये आ गया अगेन 1 माइनस सेवन अपॉन एट की पावर n का एक्सपेंशन, तो 1 माइनस सेवन बाई एट को लिख सकते हो आप अगेन 1 बाई एट की पावर n। ये सारे ईच टर्म को आपने क्या कर दिया, सेपरेट सॉल्व, और टोटल कितनी टर्म्स है, एम टर्म्स है। अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये देखो ढंग से दिस अपॉन दिस डिवाइड करने पे आ गया 1 बाई 2 की पावर n, मतलब ये आपकी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोलो m। तो सिंपल इसमें आपको जीपी का फॉर्मूला यूज करना है टर्म का, तो क्या लिखते हैं बोलो, फर्स्ट टर्म इज 1 बाई 2 की पावर n, ब्रैकेट में r इज 1 बाई 2 की पावर n और नंबर ऑफ टर्म्स इज एम, तो मल्टीप्लाई में आ गए हैं माइनस वन अपॉन वन बाय टू की पावर एन आर माइनस वन। जब आप इसको मल्टी एलसीएम लोगे, ये तो आ गया वन अपॉन टू की पावर एन, इसको भी लोगोगे वन बाय टू की पावर एन, और टू की पावर एन को जब एलसीएम लोगे तो ये कैंसिल होके आपके पास दिस पार्ट हो जाएगा बेटा वन माइनस टू की पावर एन, और इसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा वन माइनस टू की पावर m into n, और डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम लोगोगे 2 की पावर mn, तो देख लो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा आपका। हाँ, देखो थर्ड ऑप्शन को देखो आप, इन दोनों में जब माइनस कॉमन लोगे ना तो क्या आ गया 2 की पावर mn माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 और अपॉन में आ रहा 2 की पावर mn, तो उसको सॉल्व करने पे इसका करेक्ट ऑप्शन मिलेगा बेटा थर्ड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम लोगों को टी हंड्रेड दे रखा है, ये एक्सपेंशन, इसमें आर को जीरो से लेके हंड्रेड तक हम रखेंगे, एस हंड्रेड हमें दे रखा है और टी हंड्रेड और एस हंड्रेड का रेशियो हमसे पूछा है, सो एस हंड्रेड को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, आर को जीरो रखा तो जीरो अपॉन हंड्रेड सी जीरो पावर में फाइव, ओके, फिर वन रखा तो वन अपॉन हंड्रेड सी वन पावर फाइव, टू रखा तो टू अपॉन हंड्रेड सी टू पावर फाइव, और सबसे लास्ट में 100 रखा तो 100 अपॉन 100 सी 100 पावर 5। अब स्टूडेंट मैं इस पूरी इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूँ, वापस से सेम इक्वेशन लिख रहा हूँ, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है, यानी कि ये जो सबसे लास्ट में लिखी हुई टर्म है इसको सबसे शुरू में लिखूंगा, सेकंड लास्ट टर्म को फर्स्ट पे, और ये फर्स्ट प्लेस सबसे लास्ट टर्म में पहुंच जाएगी। तो यहां पर आ गया 100 अपॉन 100 सी 100, अब देखिए 100 सी 100 और 100 सी 0 इक्वल होता है, तो मैं 100 सी 100 को 100 सी जीरो लिख रहा हूँ पावर फाइव। अब देखिए इससे पहले वाली टर्म रही होगी 99
अपॉन 100 सी 100, और 100 सी 100 100 सी 99, और 100 सी 99 और 100 सी 1 बराबर होता है, तो उसको मैंने 100 सी 1 ही लिख लिया। और इसी तरह से मैं सारी टर्म को लिखूंगा, ये सब सबसे लास्ट में पहुंच जाएगी 0 अपॉन 100 सी 0, 100 सी 0 को यहां मैं लिख दूंगा 100 सी 100। देखिए ये मैं जो चेंज कर रहा हूँ ये सोचते हुए कर रहा हूँ कि ऊपर और नीचे लिखी हुई जो टो टर्म्स है उनके डिनोमिनेटर सेम रहे, ताकि इनको ऐड करने में हम लोगों को बहुत इजी रहे। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो इधर आ गया 2s100 इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें इसको और इसको जोड़ूंगा तो नीचे 100 सी 0 की पावर 5, ऊपर आ गया 0 प्लस 100 दैट इज 100। इन दोनों को जोड़ूंगा तो नीचे आएगा 100 सी 1 की पावर 5, ऊपर आएगा 1 प्लस 99 दैट इज 100। तो न्यूमरेटर में सभी जगह 100 है, तो मैं 100 को कॉमन ले लूंगा, और ब्रैकेट में मिलेगा यहाँ 1 अपॉन 100 सी 0 पावर 5, इसमें मिलेगा 1 अपॉन 100 सी 1 पावर 5, और ऐसे सबसे लास्ट में मिलेगा 1 अपॉन 100 सी 100 पावर 5। अब इस ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिए, दिस इज नथिंग बट दिस एक्सपेंशन दैट इज t100। तो ये हमारे पास में t100 है, तो यहां से हमें मिला 2s100 इक्वल टू 100 इनटू t100। हमसे रेशो पूछा स्टूडेंट 100 t100 डिवाइडेड बाय इसका, तो ये चीजें नीचे ले गए तो सीधे मिल गया हमें 2, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल इंटीजर सेटिस्फाइंग द इनइक्विटी ऑफ दिस पार्ट। मतलब आपको नंबर ऑफ इंटीजर फाइंड आउट करने हैं पॉजिटिव इंटीजर, जो इसको क्या करते हैं बोलो सेटिस्फाई। तो चलो इसको एक सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, कोई फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते, डायरेक्ट नॉर्मल सॉल्व करो इसको। तो एन प्लस वन सी एन माइनस टू को लिख सकते हो फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस टू इंटू फैक्टोरियल थ्री एन माइनस आर माइनस फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन लेस देन इक्वल टू 100। अब देखिए ढंग से, न्यूमेटर में फैक्टोरियल एन प्लस वन कॉमन, और इधर लोगे तो ये 3 फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल 2 है, तो इसमें से आपका फैक्टोरियल 2 कॉमन आ गया। सिमिलरली फैक्टोरियल एन माइनस वन को ले सकते अपन एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू, तो देखो इन सब में से कॉमन आ गया फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि इसको लिखोगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और इन दोनों में से कॉमन लोगे फैक्टोरियल एन माइनस टू, क्योंकि ये आ गया एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू, तो अपॉन में आ गया फैक्टोरियल एन माइनस टू कॉमन। तो जब दिस पार्ट कॉमन लोगे तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा बोलो, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 100। अब अपन इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसमें अगेन एलसीएम लोगे तो n-1 -3, तो ये आ गया n-4 अपॉन 3 डॉट n-1, तो फाइनली आ गया फैक्टोरियल एन प्लस वन, और दिस इज n-4 अपॉन, देखो डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, ये दोनों होंगे और इंटू में होगा 3 इंटू n-1, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को तो सीधा लिख सकते हो फैक्टोरियल 3, और n-2 इंटू n-1 यह आ गया फैक्टोरियल n-1। ठीक है, दिस गिवन है आपको लेस देन इक्वल टू 100। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये एन माइनस वन और ये अपॉन में आ रहा है एन माइनस वन का फैक्टोरियल, तो दिस इज एन प्लस वन एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो फाइनली ये आ गया एन इंटू एन प्लस वन एन माइनस वन का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और इंटू में आ गया एन माइनस फोर, और अपॉन में फैक्टोर थ्री का मीनिंग है 6, और 6 को मल्टीप्लाई लेस देन इक्वल टू आ गया 600। अब आपको एन की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए इसको क्या करता है सेटिस्फाई, तो उसको अपन एक मेथड तो क्या है कि इसको क्वाड्रेटिक में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, तो आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, या फिर सिंपल सी बात ये देखो 600 है ना, तो इसमें जैसे लेट आपने एन को 10 पुट किया, तो इंटीजर वैल्यू, और आपको पता चल जाएगा 10 ऑप्शन है, मतलब मैक्सिमम एन 10 या 11 हो सकता है, तो जब एन को 10 पुट करोगे तो क्या आ गया देखो 10 11 और 10 माइनस 4 इज 6, तो कितना आ गया 660 आ गया, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया ना। तो इसमें जब आप एन को लोगे 2, एन को 9 पुट करोगे तो ये वैल्यू होगी 400 के आसपास, तो एन को मैक्सिमम 9 ले सकते हो, और इसमें देखो n की वैल्यू कुछ भी लो लेस उससे ये इसको क्या करेगा ऑलवेज सेटिस्फाई, बट जो अपना क्वेश्चन है इसमें जो n की वैल्यू है
वो क्या 2 से लेस हो सकती है क्या? नो, क्योंकि n अगर 2 से लेस लोगे तो दिस पार्ट क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो n की जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी? 2 और 2 से ग्रेटर, और मैक्सिमम n को पुट कर सकते हो आप 9, क्योंकि n को 9 से ग्रेटर लेने पे तो ये वैल्यू आपकी 600 से क्या होगी? ग्रेटर। तो 2 से 9 के बिटवीन टोटल कितने इंटीजर होंगे? 8 इंटीजर होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, p टू द पावर 4 एंड q क्यूब, सब दे रखा है 2, p एंड q आर पॉजिटिव, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। इसमें हमें वो टर्म निकालनी है जो कि x से इंडिपेंडेंट हो और उसकी मैक्सिमाइजेशन हम करेंगे। तो पहले तो हम लोग उस टर्म को निकालेंगे। तो जनरल टर्म लिखी 14 cr px टू द पावर 1/12 होल पावर 14 माइनस r आएगा, सिर्फ पावर ओनली x पे है, p पे मतलब ओके, थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं इसको। टी आर प्लस वन इज 14 सी आर पी एक्स टू दी पावर 1/12 होल पावर 14 माइनस आर इंटू क्यू एक्स टू दी पावर माइनस में 1/9 और होल पावर आर। सो 14 सी आर पी टू दी पावर 14 माइनस आर इंटू क्यू टू दी पावर आर इंटू एक्स टू दी पावर 14 माइनस आर डिवाइडेड बाई 12 माइनस आर अपॉन 9। अब हमें टर्म को x से इंडिपेंडेंट बनाना है तो इस वाली टर्म को हम लोग इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये आ गया 14 माइनस आर अपॉन 12 इक्वल टू आर अपॉन 9। 3 से कैंसिल किया तो ये 3, ये 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 42 माइनस 3r इक्वल टू 4r। तो r यहां से आ गया 42 अपॉन 7 दैट इज 6। r की वैल्यू हम लोगों को मिली 6, यानी ये 7th टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें पता लग गया, अब हम लोग टर्म को निकालते हैं। तो टर्म को निकालते हैं स्टूडेंट, तो हम लोगों के पास में 7th टर्म हम लोगों को निकालनी है। तो 7th टर्म विल बी 14c6p, देखिए अब x से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो कटकुटा गया सारी टर्म, तो 14c6 ओके इनटू p टू द पावर 8 14 माइनस 6 इनटू q टू द पावर 6। ये हम लोगों को 7th टर्म मिलेगी, ठीक है। ये हम लोगों के पास में यहां पर 14c6 है, ये टर्म हमको मिल रही है दैट इज 14c6 p टू द पावर 8 इनटू q टू द पावर 6। ये टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए p एंड q आर पॉजिटिव, सो वी कैन अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए हम लोगों को प्रोडक्ट में स्टूडेंट ये टर्म चाहिए p की पावर 8 इंटू क्यू की पावर 6, और सम में हमको ये दे रखा है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, p की पावर 4 अपॉन 2 और p की पावर 4 अपॉन 2 लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे p की पावर 8 आएगा, q की पावर 6 चाहिए तो q क्यूब डिवाइडेड बाई 2 एंड q क्यूब डिवाइडेड बाई 2 ले लेते हैं। इन चार नंबर पर हम लोग अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो इनका जो ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन होगा, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे p की पावर 8 q की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 यानी कि 16 और होल पावर 1/4, ठीक। तो ये हो गया स्टूडेंट हम लोगों के पास में, देखिए ये हो गया p की पावर 4 प्लस q की पावर 3 दैट इज 2, 2 अपॉन 4 1/2, 1/2 की पावर 4 कर दी ताकि ये पावर 4 हट जाए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू p पावर 8 q पावर 6 अपॉन 16। तो यहां से p टू द पावर 8 * q टू द पावर 6 इज लेस देन इक्वल टू 16, 16 कैंसिल 1। So, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है, तो पूरी टर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 14c6 into 1 दैट इज 14c6 ऑप्शन नंबर सेकंड। ये हिंदी में इसको मैक्सिमम लिखना था, अधिकतम मान होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा हिंदी मीडियम में, अधिकतम मान, ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ x सच दैट सिग्मा दिस पार्ट इक्वल टू 8 अपॉन 3, मतलब इस सिग्मा को थोड़ा सिंपलीफाई करना, देखो कैसे करोगे। देखो इसमें लिमिट k की है, तो एक तो k वेरिएबल इसके अंदर है, एक दिस पार्ट के अंदर, एक दिस पार्ट के अंदर। इसमें है 5 की पावर 4 माइनस की, तो क्या करो बेटा 5 की पावर 4 को क्या कर सकते हैं हम सेपरेट, तो क्या गए 5 की पावर माइनस के और उसको ले आते हैं डिनोमिनेटर में। तो इसको लिख सकते हो आप 5 की पावर 4 सिग्मा k इक्वल टू 0 से 4 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस के अपॉन में फैक्टोरियल, इन दोनों को लिखा पहले, और ये आ गया x की पावर k अपॉन 5 की पावर k, ठीक है। चाहो तो दोनों पे पावर एक साथ लगा सकते हो,
अब देखो इसको थोड़ा ढंग से, ये 4 माइनस के का फैक्टोरियल फैक्टोरियल के है, तो न्यूमेटर में आप क्या करो फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में क्या कर दो डिवाइड, दिस आ गया। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, दिस इज 4c k। तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया बेटा 5 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और सिग्मा k इक्वल टू 0 से 4 4c k, और ये x अपॉन 5 की पावर k, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 8 अपॉन थी वो बाद में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको जब सिग्मा को ओपन करोगे आप तो देखो क्या आने वाला, फाइनली 5 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 ब्रैकेट स्टार्टिंग की दो टर्म लिख देते फिर आईडी लग जाएगा आपको 4c0 प्लस 4c1 x अपॉन 5 का स्क्वायर और नेक्स्ट इज 4c2 ये सॉरी वन लिखना है x अपॉन 5 का स्क्वायर और प्लस दो टर्म और लिखनी है आपको c3 और c4। तो ढंग से देखो ये 4c0 प्लस 4c1 दिस की पावर 1 तो क्या बन गया, ये 1 प्लस x अपॉन 5 की पावर 4 का बेटा एक्सपेंशन है, क्या बोलो 1 प्लस x अपॉन 5 की पावर 4 का एक्सपेंशन। तो इसको फाइनली आप देख सकते हो 5 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 1 प्लस x अपॉन 5 की पावर 4 का एक्सपेंशन, आप ओपन करके देखो ये आने वाला है और ये इक्वल टू गिवन आपके पास 8 अपॉन 3। तो देखो इसको सॉल्व करो आप, जब इसका एलसीएम लोगे तो 5 आ गया और अपॉन में क्या आएगा, ये आ गया 5 प्लस x अपॉन 5 की पावर 4 और दोनों पे पावर सेपरेट करोगे तो दिस इज x प्लस 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 और ये वाली पावर कैंसिल, तो फाइनली आ गए x प्लस 5 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 8 अपॉन 9। फैक्टोरियल 4 का मीनिंग क्या लिख सकते हैं 24, तो दिस इज x प्लस 5 की पावर 4 इक्वल टू ये आ गया 24, देख लेते हैं इसको 24 8 अपॉन 9, तो 9 को 3 से कैंसिल करो तो 8 अपॉन 3, तो दिस इज 64 अपॉन 3। और जब इसका एक बार स्क्वायर रूट लो और स्क्वायरिंग ओपन करके सॉल्व करोगे तो ये x में बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे आपको x की टू वैल्यूज मिलेंगी, उसमें एक x की वैल्यू तो होगी दिस पार्ट -2√2-5 और सेकंड इज 2√2-5, बट आपसे पूछा गया x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो तो आपको इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा टिक करना, उसको कैलकुलेट करना आप घर पे। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें देखिए हमसे ये पूछा है कि इस पूरे एक्सपेंशन में कितनी अलग-अलग तरीके की टर्म्स हमको मिलेगी। देखिए यहां पर 14 टर्म्स होगी, इसमें 15 टर्म्स होगी, ऐड करते हैं तो 29 टर्म्स होगी। लेकिन स्टूडेंट अगर मान लीजिए इन दोनों में कोई टर्म कॉमन हो गई तो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म विल बी लेस देन 29। तो हमको चेक करना होगा कि इन दोनों में क्या कोई टर्म कॉमन है। देखिए इसकी जनरल टर्म है स्टूडेंट हम लोगों के पास में 13cr x टू द पावर 13-r * y टू द पावर y स्क्वायर की पावर r यानी y की पावर 2r। और इसकी जनरल टर्म हम लिखें तो वो होगी स्टूडेंट 14c k, इसको r की बजाय मैं k में लिख देता हूं, 14c k x स्क्वायर की पावर 14-k, तो x की पावर 2 * 14-k * y की पावर k। अब देखिए हम लोगों को केवल इतना चेक करना है स्टूडेंट कि क्या r और k की कोई ऐसी वैल्यूज है जिस पर ये टर्म एक दूसरे के जैसी बन जाए, जैसे अगर x की पावर 5 y की पावर 6 की टर्म यहां है तो यहां भी मान लीजिए x की पावर 5 y की पावर 6 है क्या, ये हमको चेक करना। तो देखिए वो तो ऐसी वैल्यूज पर होगा जिस पर 13-r जो है वो 2 × 14-k के बराबर हो और 2r जो है वो k के बराबर हो। अगर ये इक्वेशन r और k की किसी वैल्यू पर सेटिस्फाई हो रही है तो कॉमन टर्म होगी हमारे पास, तो हम लोग k को 2r रख देते हैं इसमें, मतलब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं एक तरह से। तो 13-r इक्वल टू 28-2k और k को रखा मैंने 2r, तो 2k हो गया 4r, सो दिस इज 3r इक्वल्स टू व्हाट 5 and 1, तो r इक्वल टू 5, तो r को 5 और k को अगर मैं 10 लेता हूं तो दोनों में टर्म कॉमन होगी, यानी r और k की सिंगल वैल्यूज है जिस पर कि इसमें और इसमें टर्म कॉमन है, दैट इज ओनली वन टर्म इज कॉमन बिटवीन दिस एक्सपेंशन एंड दिस एक्सपेंशन। तो वैसे टोटल 29 टर्म थी लेकिन उनमें से एक टर्म कॉमन हो गई, तो इफेक्टिवली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म विल बी 28, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इफ दी सिक्स टर्म इन दी एक्सपेंशन ऑफ दिस पार्ट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, इसमें क्या बोला गया है कि दिस एक्सपेंशन में जो सिक्स टर्म है वो आपकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है व्हेन एक्स इक्वल टू 3 देन दी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इज। तो देखो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं आर लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस फर्स्ट अपॉन सेकेंड टर्म का मोड। तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड टर्म क्या लिखोगे, देखो सीधा लिख देते हैं x को 3 पर करोगे तो 3 अपॉन 3 1 तो दिस इज ओनली आ गया 3 बाई 2 का मोड। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी ओनली सिक्स टर्म आपकी क्या है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो उसमें दो कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि दिस पार्ट अगर इंटीजर हो तो उस केस में, तो जैसे लेट इसकी इंटीजर वैल्यू आपने m लेट की तो उस केस में टू टर्म क्या होंगी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, दिस इज tm एंड tm प्लस 1। और अपन को बोला गया ओनली सिंगल टर्म इसकी क्या है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और वो क्या है 6। तो इसका मीनिंग ये जो ये वाला पार्ट है आपका n प्लस 1 अपॉन 5 बाय 2 ये आपका होगा नॉन इंटीजर। अब ये नॉन इंटीजर की वैल्यू ऐसी लोगे आप कि ओनली सिंगल टर्म आनी चाहिए t6, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे लेट r लेस देन आपका 4.6 हुआ बाय चांस तो इसके केस में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या लगते हैं t स्टेप m प्लस 1, स्टेप m का मीनिंग है दिस पार्ट का इंटीग्रल पार्ट, तो t 4 प्लस 1 आ गया ना, इसका मीनिंग टी फोर प्लस वन टी फाइव टर्म आपकी होगी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। आपको सिक्स टर्म क्या गिवन है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो एन प्लस वन अपॉन फाइव बाई टू है इसकी वैल्यू फाइव से सिक्स के बिटवीन होगी, क्या होगी बोलो फाइव से सिक्स के बिटवीन, टी स्टेप एन प्लस वन लिखना है तो इसकी वैल्यू अगर फाइव से सिक्स है लेट 5.1 तो 5.1 का स्टेप 5 प्लस 1 आ गया ना 6, तो आपको क्या लिखना है कि जो एन प्लस वन अपॉन 5 बाई 2 है इसकी वैल्यू आप लाई कराओगे 5 से 6, क्योंकि जब दिस पार्ट आपका 5 से 6 होगा तो उस केस में एक ही टर्म क्या होगी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, दिस इज टी स्टेप एम प्लस 1। तो चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गए 25 बाई 2 और 1 को सेपरेट करोगे तो दिस इज 23 बाई 2 इज लेस देन एन लेस देन दिस इज 15 माइनस 1 इज 14, तो n आपका ये है 11 पॉइंट समथिंग से 14, तो आपको n की क्या चाहिए इंटीग्रल वैल्यू, तो 11 पॉइंट समथिंग से 14 के बिटवीन ओनली टू इंटीजर होंगे व्हिच इज 12 एंड 13, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड एंड थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए सर इसमें एक नंबर हम लोगों को दे रखा है और ये किससे डिविजिबल है ये पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है इन सबको सेपरेटली वैल्यू कैलकुलेट करके तो क्वेश्चन करने जाएंगे तो बहुत लेंथी होगा, तो हम लोग एक ट्रिक अपना इसमें अडॉप्ट करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर, है ना, इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, यानी एन प्लस 1 सीआर को हम इस तरह के पैटर्न में तोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो हम लोगों को 20C7 में रखा, देखिए उसको हम लोग लिख सकते हैं 19C6 प्लस 19C7, ठीक है, सोच के देखिए स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करते तो ये आता। yes. ऐसे स्टूडेंट ये जो 20C8 है इसको हम लोग लिख देंगे 19C7 प्लस 19C8, ऐसे 20C9 को लिख देंगे हम लोग और ऐसे सारी टर्म्स को लिखते जाएंगे, सबसे लास्ट में जो 20C20 लिख रहा है इसको हम लोग लिख देंगे 1 ही है तो इसको चाहे तो किसी भी तरह से हम लिख देंगे, वो लास्ट में देखते हैं कि इसको क्या लिखना है, ये हमने एज इट इज लिखा इसको चेंज नहीं किया। अब आप देखिए स्टूडेंट ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ऐसे ये टर्म अपनी पिछली टर्म से कैंसिल होगी, ऐसे ही इस वाले एक्सपेंशन में स्टूडेंट ये जो टर्म होगी ये अपनी पिछली टर्म से कैंसिल होगी एंड दिस इज 1 एंड दिस इज आल्सो 1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो केवल और केवल हमारे पास में बचा 19C6। अब ये एक सिंपल बाइनोमियल नंबर है स्टूडेंट, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको 3, 4, 7 और 19 सारे उसके फैक्टर्स में हमें दिखेंगे, so we can say that all these numbers can divide this number individually, okay, तो बस value calculate करके factor देखना है, तो आपको पता लगेगा ये चारों number इसको divide करेंगे, इसलिए चारों ही options हमारे question के answer हैं। yes, चलिए बढ़ते हैं next question पर। हाँ, उसके बाद last question देखो, आपको एक summation given है SNX equal to this part और आपको
एस फाइव पाई बाई टू एस सेवन माइनस फाइव बाई टू सबकी वैल्यू को क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए जब सिग्मा को ओपन करोगे आप और ईच टर्म को क्या करना है रिवर्स करके आप अगेन लिखोगे तो फर्स्ट लास्ट के इक्वल होगी सेकेंड सेकेंड लास्ट टर्म के क्या होगी बेटा इक्वल। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो उसमें आपके एक रिप्लेस वाला लिख सकते हो एन माइनस के क्योंकि के को जब एन सिंपल सी बात है यार जब के को जीरो लोगे तो दिस इज एन सी जीरो और के को जब आप एन लोगे तो दिस इज एन सी के। तो देखो ना इसमें एन को एन माइनस के से रिप्लेस करोगे तो दोनों टर्म क्या बन जाएंगी आपकी सेम। तो सिंपल क्या करो इस समेशन में ईच टर्म में एन को रिप्लेस कर सकते हो आप एन माइनस के से। तो ये आ गया एस एन एक्स इक्वल टू सिग्मा एन को जब एन माइनस के लोग तो ये क्या आ गया एन माइनस के जीरो तो देन एन इक्वल और ये आ गया एन के इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब समेशन ये होगा के इक्वल टू जीरो से एन और इसमें लिखोगे तो दिस इज एन सी एन माइनस के साइन ऑफ इसमें क्या करना है के को एन माइनस के से तो के को जब एन माइनस के से रिप्लेस करोगे तो ये आ गया एन माइनस के इंटू एक्स और ये बन गया बेटा कॉस एक्स। ठीक है अब आप क्या करो इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं ऐड। तो देखो ऐड करने के बाद क्या आने वाला है टू एस एन एक्स इक्वल टू सिग्मा दोनों पे सेम है तो सिग्मा के इक्वल टू जीरो से एन जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो ढंग से ये एन सी के प्लस एन सी एन माइनस के है तो इसको भी आप अगेन क्या ले सकते हो बोलो एन सी के। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस इज एन सी के दिस इज ऑल्सो एन सी के तो एन सी के आ गया कॉमन और ब्रैकेट में मिला आपको साइन के एक्स कॉस एन माइनस के एक्स प्लस साइन एन माइनस के एक्स इंटू कॉस एक्स। ये फॉर्मूला बन गया बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दिस इज साइन ए माइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसका मीनिंग दिस इज ए है और दिस इज बी तो साइन ए प्लस बी क्या गया बोलो साइन एन एक्स। तो एक सिंपल फॉर्मूला आ गया साइन ऑफ एन एक्स का। आपकी लिमिट किसकी है के की तो साइन एन एक्स तो कॉन्स्टेंट है इसको सिंपल आप सिग्मा से बाहर ले सकते हो तो दिस इज टू एस एन एक्स इक्वल टू साइन एन एक्स तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया और सिग्मा की का मीनिंग क्या है एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू डॉट एन सी के और इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होगी टू की पावर एन। तो ये आपका आ गया एस एन और टू से डिवाइड करोगे तो एस एन एक्स क्या लिख सकते हो साइन एन एक्स इंटू टू की पावर एन माइनस वन। अब आपसे बात की गई है वन बाई वन ऑप्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है एस फाइव पाई बाई टू मतलब एन को फाइव पुट करना और एक्स को पुट करना पाई बाई टू। देखो एन को फाइव लोगे तो एस फाइव पाई बाई टू इक्वल टू साइन फाइव पाई बाई टू साइन फाइव पाई बाई टू की वैल्यू क्या लेते हैं अपन वन क्योंकि साइन की वैल्यू इस जगह वन और इस जगह होती है माइनस में। ठीक है तो ये वन आ गया और ये टू की पावर फाइव क्या होगा थर्टी टू अपॉन टू इसका मीनिंग सिक्सटीन सही है इसका ऑप्शन। फिर आप सेकेंड ऑप्शन की बात करोगे तो एस सेवन माइनस पाई बाई टू की बात करोगे तो देखो एन को सेवन तो एस सेवन ये साइन सेवन एक्स हो गया ना और एक्स की वैल्यू पुट करनी है माइनस पाई बाई टू ये बन गया माइनस माइनस तो बारह आ गया साइन सेवन पाई बाई टू और देखो ये पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू सेवन पाई बाई टू तो ये वैल्यू अगेन माइनस वन एक माइनस बारह था तो माइनस माइनस प्लस इसका मतलब ये अगेन क्या होगा प्लस वन और एन को जब सेवन लोगे तो टू की पावर सेवन क्या होगा 128 और अपॉन 2 तो ये आ गया अगेन 64 तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही जब आप थर्ड और फोर्थ की बात करोगे तो देखो पाई की बात करोगे तो देखो ना n 50 है और ये पाई है तो ये पाई का क्या होगा इवन मल्टीपल और पाई के इवन मल्टीपल पे साइन जीरो होगा तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन भी इसका सही होगा। और ये देखो 51 पाई की बात करोगे तो ये n 51 और ये माइनस पाई तो ये भी क्या बन गया पाई का मल्टीपल और पाई के मल्टीपल पे अगेन साइन की वैल्यू क्या होगी जीरो तो फिर ये क्या आना चाहिए जीरो बट ये रॉन्ग होगा आपका तो इसका ओनली फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। सो ओके स्टूडेंट इस वीडियो सॉल्यूशन को यहीं पर ओवर करते हैं। ओके देन थैंक यू।